हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स पर दिल से। अगर आप चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल को दबाना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। साथ में टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टा में डेफिनेटली फॉलो कर लेना। उसका रीज़न आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा कि आपको क्यों हमें इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फैसला आया है राइट टेलीकॉम सेक्टर के लिए, और जिस वजह से आज भारतीय एयरटेल शेयर में 5% से ज़्यादा की बड़ी तेज़ी देखने को हमें मिली है। एंड मेरा मानना है ये शो अब टेस्ट करेगा न्यू हाई। ये मेरा मानना अभी का नहीं है, बहुत एक हफ्ते से आपको लगातार अपडेट कर रहा हूँ कि भारतीय एयरटेल में कुछ बड़ा होने वाला। तो दोस्तों, लगातार आपको अपडेट दिया था कि भाई नज़र में रखो, भारतीय एयरटेल शेयर में काफ़ी बड़ी न्यूज़ स्टॉक के लिए निकल के आ सकती है। एंड दोस्तों, गवर्नमेंट की तरफ से और काफ़ी पॉजिटिव खबर टेली कम्युनिकेशन शेयर के लिए निकल के आ रही है। तो भाई मेरा ये मानना है, अगर आपने अभी तक भारतीय एयरटेल को बाय नहीं किया है और अभी तक होल्ड नहीं किया है, अगर बाय कर भी लिया है तो होल्ड करके रखो, बड़े टारगेट आपको दिखा सकता है। दिखाता हूँ आपको क्या खबर की वजह से स्टॉक आज में इतनी बड़ी तेज़ी हमें देखने को मिली है। सबसे पहले मैं आपको वो चीज़ दिखाता हूँ कि ये स्टॉक हमने खुद आपको रिकमेंड किया था जस्ट एक जनरल व्यू देने के लिए कि स्टॉक में बड़ी न्यूज़ आ सकती है, राइट। अभी प्राइस देख लीजिए, 568 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। 5% की ज़बरदस्त तेज़ी स्टॉक में आज हमें देखने को मिल सकती है। दोस्तों यहाँ देखिए, जुलाई 17 के आसपास मैंने स्टॉक आपको खुद एक वीडियो के माध्यम से और इंस्टाग्राम मेरा जो हैंडल है VR स्टॉक्स करके, यहाँ पर मैंने आपको अपडेट दिया था कि स्टॉक में कुछ बड़ा घटना घट सकती है और स्टॉक न्यू हाई टेस्ट कर सकता है। जो प्राइस उसमें 540 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था, मैंने खुद स्टॉक में 535 रुपये के आसपास इसमें बाय किया जब फर्स्ट टाइम मैंने आपको वीडियो के माध्यम से रिकमेंड किया था। तो आप देख सकते हैं मेरी जो एवरेज कॉस्ट निकल के आती है स्टॉक में 535 रुपये के आसपास है, और अभी 568 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। छोटा मोटा 6% का गेन हमें अभी स्टॉक में आ रहा है। एंड दोस्तों बिलीव मी, ये स्टॉक डेफिनेटली अपना जो हाई है जो आई थिंक 700 रुपये के आसपास है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, वो टेस्ट कर सकता है। और मेरे जो टारगेट है स्टॉक में 700 रुपये तक के ही है। एंड दोस्तों वन मोर थिंग, अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये आपने कैसे पता किया कि स्टॉक में न्यूज़ आने वाली है। तो दोस्तों आपको याद होगा इस लास्ट संडे मैंने अपना वो सीक्रेट रिवील किया है कि मैं कैसे पता करता हूँ कि प्राइवेट क्लास हुई थी मेरी, ठीक है, उन्हीं व्यक्ति को ये क्लासेस के लिंक मिलते हैं जो वीडियो को शेयर करते हैं। तो जिन लोगों ने वीडियोस को शेयर करे होंगे उनको मैंने एक क्लासेस के लिंक दे दिए, और मैंने बहुत क्लियर कहा था उस वीडियो में कि मैं आपके साथ एक ऐसी स्टडी शेयर कर रहा हूँ जिसमें आपको पता चल जाएगा कि स्टॉक में न्यूज़ आने वाली है, तो आप स्टॉक को पकड़ के बैठ जाओ, डेफिनेटली पैसा बन जाएगा स्विंग ट्रेडिंग करके। तो वो जिन लोगों ने वो मेरा वीडियो देखा था लास्ट संडे वाला, जाके चेक करना भारतीय एयरटेल के शेयर में, और जो मैंने आपको बतलाया था वो चेकआउट करना। और आपको अगर दिख जाएगा ना तो आने के बाद वापस में कमेंट कर देना कि हाँ सर हमको वो पता चल गया कि आपने स्टॉक कैसे सिलेक्शन किया था, ठीक है, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ आप लोग काम कर रहे हो। और जो लोग कमेंट करेंगे और जो लोग सच में मेरी टीम में शामिल होना चाहते हैं, जिनको लगता है कि भाई मैं थोड़ा बहुत आपको सिखा सकता हूँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर लिख देना, टीम करके कुछ लिख देना, ठीक है। बहुत जल्द एक ग्रुप बन जाएगा, उस ग्रुप में मैं आपको ऐड ऑन कर दूंगा। सबको नहीं करूंगा, पहले आपको बता देना चाहता हूँ, मात्र 5 या 10 लोगों को ही करूंगा। अब 5-10 लोग कौन होंगे मुझे भी नहीं पता, आपको पता होगा, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो आप चाहते हो तो मैं डेफिनेटली आपको ऐड कर दूंगा, लेकिन हाँ अगर आप चाहते हो कि मैं आपको प्राइवेट क्लास का लिंक दूँ तो वीडियो को पक्का शेयर कर देना। कहाँ करोगे? फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, जहाँ आपको करना है वहाँ कर देना, और फिर स्क्रीनशॉट मैसेज कर देना मुझे मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर। इसलिए बोलता हूँ इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो, ठीक। अब आपको मैंने न्यूज़ दिखा देता हूँ, न्यूज़ क्या चल रही है। छोटी सी न्यूज़ है, बड़ी न्यूज़ भी नहीं है। मैंने आपके लिए ये हाइलाइट्स पॉइंट्स काट लिए। इसमें यह लिखा गया है, ठीक है, इसमें ये लिखा गया है कि आज स्टॉक मार्केट में मंदी थी, मतलब गिरावट थी, लेकिन जो टेलीकॉम कंपनीज थे उनमें अच्छी खासी जंप देखने को मिली है। जैसे भारतीय एयरटेल 5% की तेजी है, वोडाफोन आइडिया में भी तेजी थी, लेकिन शाम को आते आते प्रॉफिट बुकिंग आ गई, लेकिन भारतीय एयरटेल में प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि कंपनी एक सपोर्ट एरिया के आसपास खड़ी है और डेफिनेटली बायर्स आएंगे स्टॉक को बाय करने के लिए। मैं क्या कह रहा हूँ, जो कंपनी फंडामेंटली अच्छी हो, प्रॉफिटेबल बिजनेस में हो, उस पर पैसा लगाओ और सपोर्ट के आसपास लगाओ। और जो भारतीय एयरटेल स्टॉक था, मैंने आपको बिल्कुल 530 रुपये के आसपास सपोर्ट के आसपास दिया था, ठीक है। सपोर्ट का मतलब जाके खुद एक बार होमवर्क करना, आपको दिख जाएगा स्टॉक ने
तीन टाइम 535 रुपये के आसपास सपोर्ट लिया है और मात्र 500 रुपये के नीचे का हमारा स्टॉप लॉस था। एंड टारगेट दोस्तों आप देख सकते हो 1:1 का टारगेट अचीव हो चुका है और 1:2 का टारगेट भी बहुत जल्द आपको एक अगले हफ्ते तक देखने को मिल जाएगा। अब इसमें बताया गया है रिपोर्ट में, यहाँ तेजी की वजह बताई गई है, ईटी की एक रिपोर्ट है की खबर है राइट। इसमें यह लिखा गया है कि सरकार कर्ज के बोझ से टेलीकॉम कंपनी की सेहत में सुधार के लिए लंबी अवधि के कुछ उपायों पर विचार कर सकती है। ठीक है, मतलब आप देख सकते हो कि भैया पॉजिटिव खबर आपके गवर्नमेंट की तरफ से भी निकल के आ रही है टेलीकॉम सेक्टर के लिए। थोड़ा आगे लेके चलता हूँ तो यहाँ पर आपको बहुत क्लियर दिख जाएगा कि उन्होंने क्या बोला गया है। आप देख सकते हो ईटी की खबर है, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो डॉट के साथ कुछ दूसरे उपायों पर भी विचार कर रही है राइट। इसमें ये लिखा गया कि लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम यूजर्स चार्ज SUC में कमी और बैंक गारंटी धीरे धीरे ख़त्म करने का प्रस्ताव भी शामिल है। तो कहने का मतलब दोस्तों क्या है, अगर ये सब चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर देती है राइट, तो डेफिनेटली फ्यूचर में कंपनी के लिए काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। कंपनी का मतलब टेलीकॉम सेक्टर के लिए ये चीज़ काफ़ी बढ़िया हो सकती है। बाकी आप खुद न्यूज़ पढ़ लो पूरी की पूरी, ये लिखी हुई है, मुझे इतनी रुचि न्यूज़ पढ़ने में नहीं होती है भाई, साफ बता रहा हूँ। मुझे सिर्फ टेक्निकल चार्ट को देख के पता चल जाता है कि स्टॉक में न्यूज़ आने वाली है और आपको मैं प्रूफ कर चुका हूँ कि हाँ ये चीज़ें होती है। अगर आपको चार्ट रीड करना आता है तो आप न्यूज़ पता कर सकती हो कि स्टॉक में न्यूज़ पहले क्या आने वाली है पहले से। अब आज स्टॉक में न्यूज़ आई है तो मुझे बताओ कितने लोगों ने स्टॉक में एंट्री कर रखी है। मेरे ख्याल से लोग अब एंट्री करना स्टार्ट करेंगे, कहने का मतलब रिटेल अब स्टॉक में एंट्री करेगा, लेकिन हमने स्टॉक में पहले से पोजीशन बना रखी। क्यों? क्योंकि हमें पता था स्टॉक में न्यूज़ आने वाली है। अब स्टॉक की न्यूज़ कुछ भी हो सकती है, स्टॉक की न्यूज़ कुछ भी हो सकती है कि भैया इस बड़े व्यक्ति ने स्टॉक में पैसा लगा दिया, इस टेलीकॉम कंपनीज के लिए अच्छा कुछ पैकेज आने वाला है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, मैं न्यूज़ को प्रिडिक्ट नहीं करता हूँ कि ये न्यूज़ यही न्यूज़ आएगी, मैं जिस ये बोलता हूँ कि ये न्यूज़ आ सकती है, मतलब कुछ अच्छा हो सकता है तभी ये स्टॉक ऊपर जाएगा। और दोस्तों आपके सामने है, ठीक है, न्यूज़ आपने पढ़ ली, रीज़न आपको समझ आ गया कि स्टॉक्स में आप क्यों तेज़ी देखने को मिली है टेलीकॉम सेक्टर के, खासकर भारतीय एयरटेल में। और दोस्तों अगर बात करता हूँ कि स्टॉक में कैसा कामकाज हुआ है तो आप खुद देख लो, आज ये रहा 5% के आसपास तेज़ी है राइट। अगर बात करता हूँ 2,84,00,000 क्वांटिटी ट्रेड की गई है, उसमें से 1,00,00,000 से ज़्यादा का क्वांटिटी लोग घर लेके गए, 36% के आसपास का डिलीवरी परसेंटेज निकल के आता है। अब बात करते हैं स्टॉक के नेक्स्ट टारगेट की कि स्टॉक हमें भारतीय एयरटेल कहाँ के टारगेट दिखा सकता है, तो देख लो एक बार। तो दोस्तों आप देख सकते हो भारतीय एयरटेल में ये रहा, अगर मैं बात करता हूँ स्टॉक के मैक्स चार्ट की तो आपको देखने को मिलेगा स्टॉक अभी एक कंसोलिडेशन फेज में जा रखा था। एंड दोस्तों मैं जो सपोर्ट की बात कर रहा था, दोस्तों देखिए ये एक सपोर्ट ये रहा, ठीक है, सपोर्ट लेके बार ऊपर जा रहा है स्टॉक का। नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये रहा जो निकल के आता है आपके सामने स्क्रीन में, जो 572 के आसपास निकल के आता है, तो 572 रुपये के आसपास का रेजिस्टेंस है। अगला जो टारगेट स्टॉक में रहेगा 650 रुपये के आसपास का टारगेट रहेगा, और उसके 600 रुपये के ऊपर क्लोज करने के बाद आपको 650 रुपये का मेरा स्टॉक का फाइनल टारगेट है, जो बहुत जल्द आपको आते हुए नज़र आ सकता है राइट। तो भाई ये थी आपकी भारतीय एयरटेल और टेलीकॉम सेक्टर के लिए एक पॉजिटिव खबर। अगर आपने स्टॉक्स को अभी तक होल्ड किया है तो होल्ड करो, और डेफिनेटली फ्यूचर में आपको 650-600 रुपये के टारगेट भारतीय एयरटेल बहुत जल्द दिखा सकता है राइट। तो वीडियो को समाप्त करता हूँ, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कॉमेंट कर देना। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।